अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन यूज़ करनी है या किस तरह से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है। तो सबसे पहले आपका अकाउंट एक्टिव हुआ होगा, तो आईडी पासवर्ड आपकी ईमेल के थ्रू मिल गया होगा आपको। ठीक हो गया, तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन पे जाएंगे। एप्लीकेशन पे जाने के बाद आपके पास जो यूज़र आईडी आया है, जो आपकी ईमेल के थ्रू की ट्रेड एक्टिवेशन के नाम से आपके पास ईमेल आई होगी आईडी पासवर्ड की, तो उसमें से जाके आपको यूज़र आईडी पुट करनी है और वो आपको अच्छा। तो आपके पास पहले ये टैब ओपन हो जाती है, उसमें ये होता है, ये वॉच लिस्ट हो गई। वॉच लिस्ट में आपके जाके यहाँ पे आपको खुद ही स्टॉक्स लगाने होते हैं, मतलब यहाँ पे आप खुद ही फीड करेंगे अपने स्टॉक की। तो वॉच लिस्ट है ये जो के ट्रेड की बनी होती है पहले से, तो आपको उसके अंदर चूज़ करना होता है कौन सी कंपनी आपको यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी के स्टॉक्स होते हैं वहाँ। तो यहाँ पोर्टफोलियो हो गया, पोर्टफोलियो में ये होता है कि आपके पास कितनी होल्डिंग्स पड़ी हुई हैं, कितना आपका नेट लॉस आ रहा है। जैसे मेरी नेट वर्थ, मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट थी 96,000 रुपीज़, अभी मुझे थोड़ा सा लॉस है, तो इसकी वजह से ये नेट वर्थ आपकी शो हो रही होगी। टोटल नेट वर्थ 80,000, मैंने 96,000 लगाए थे और वो टोटल अब 80,000 ये शो हो रहे हैं। ठीक है, तो पोर्टफोलियो में पे आपके पास ये चीज़ें शो हो जाएंगी। बाकी बाइंग पावर यहाँ पे जो है, ये कैश अवेलेबल है बाकी, और प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस में आपके सामने शो हो रहा होगा पूरा प्रॉफिट लॉस। फिर उसके बाद आप मेन्यू बार में जाएं। ठीक है, यहाँ पे तो आप वॉच लिस्ट में क्लिक करेंगे तो ये वापस आप अपने उस पेज पर पहुँच जाएंगे। देन उसके बाद इंडेक्स बॉक्स में जाना है, तो आपको ये इंडेक्स है KC 100, ऑल शेयर्स KC 30, ये सारी कुछ ये इंडेक्स पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जिसमें जैसे KC 100 है, इसमें कराची पाकिस्तान की 100 कंपनीज हैं। ठीक है, जिनको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है, लेकिन इसकी सारे कितना पॉइंट्स उसमें गेन हुआ, कितना लो लगा, वो उतना पॉइंट्स KC 100 ने गेन किया, तो वो डिपेंड करता है आप कौन से इंडेक्स में काम कर रहे हैं। वो देख लीजिएगा आप, जब भी आप किसी कंपनी में जाएंगे वहाँ लिखा होता है कि ये KC 100 इंडेक्स का हिस्सा है। ठीक है, तो ये सारे आपको यहाँ से पता चल सकता है कि मार्केट आप कितनी पॉजिटिव गई, कितनी नेगेटिव गई, हाई लोज लिखे में कितना हाई लो लगा और कितना टर्न ओवर मीन्स कितना वॉल्यूम के साथ मार्केट में काम हुआ। ठीक है, टर्न ओवर मतलब कि कितनी वैल्यू में, और वॉल्यूम मतलब कितने कितना शेयर्स का काम हुआ। ठीक हो गया, उसके बाद आप अपने ट्रेड पे आ जाते हैं। कोई भी आप ट्रेड करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आप यहाँ पे बाइंग के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे लेट सपोज मैं एक कंपनी लिखता हूँ, ठीक है, ये कंपनी लिखता हूँ सिनर्जी। सिनर्जी अच्छा, जब भी आप कोई भी कंपनी चूज़ करेंगे तो REG में करेंगे। REG मतलब रेगुलर शेयर। ये दिसंबर फ्यूचर, ये जो FUT लिख रहे हैं, ये इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। असल में ये वो लोग कर सकते हैं जिनका पोर्टफोलियो 5 मिलियन से ऊपर का है। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए होता है अगर वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में काम करना चाहते हैं। बाकी आपको सारी चीज़ें जो हैं वो रेगुलर शेयर्स, मेन मेन ऑब्जेक्टिव जो है आपका वो रेगुलर शेयर्स है। तो REG पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको कौन सा ऑर्डर लगाना है, आपको भी करंट रेट पे बाय करना है, जो भी करंट रेट चल रहा होगा, तो करंट रेट पे जाके आप उसको मार्केट चूज़ करेंगे। तो करंट रेट पे आपको उस हिसाब से आप जितनी वैल्यू डालेंगे शेयर्स, कितने शेयर्स आपको, जैसे आपको 1,000 शेयर चाहिए।